ये ISI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ बी आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इज टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, देन एफ इज वन वन एंड ऑन टू एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू एफ इज ऑन टू बट नॉट वन वन। देखो इसे दो मेथड से करते हैं, ठीक है। एफ एक्स जो दे रखा है वो क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पहले देखो वन वन के लिए क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है, तो दिस इंप्लाइज एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू होता है, ठीक है। आप ये देखो एक्स इजक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो मिलेगा, जीरो के बराबर, तो ठीक है एफ ऑफ जीरो जो हमें मिला वो जीरो मिला, ठीक है। और एफ ऑफ वन रखा तब भी जीरो मिला, तो एफ ऑफ वन रखा तब भी जीरो मिला। अब इसका मतलब ये दोनों जब एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन बराबर है तो क्या जीरो और वन बराबर होंगे, नहीं, जीरो नॉट इक्वल टू वन, मतलब एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो ये वन वन नहीं है, वन वन नहीं है। दूसरा तरीका ग्राफ से, देखो आप इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, पहले इसका रूट्स बताओ, तो जीरो वन और माइनस वन, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब आप देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव था इसलिए ऊपर से ग्राफ आई, ठीक है। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, ग्राफ को तीन बार काट रहा है, ये देखो तीन बार काट रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये वन वन नहीं हुआ, ठीक है। और अब देखो ऑन टू का चेक करते हैं, वन वन नहीं है, ठीक है, तो एफ इज वन वन जहाँ है वो काट देते हैं, ये कह रहा है वन वन है, नहीं भैया ये भी कह रहा है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब देखो ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, तो देखो वाई क्या है, रियल नंबर है, और एक्स क्या कह रहा है, ये भी रियल नंबर है, तो आप ग्राफ से भी देखो एक्स भी हर रियल नंबर पे मिलेगा आपको और वाई भी करस्पॉन्डिंगली हर रियल नंबर पे, वाई के किसी वैल्यू के लिए एक्स हमें रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, एफ इज ऑन टू बट नॉट वन वन, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। तो आप देखिए ग्राफ भी आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। देखो गिवन आपका ये है, और एक जो इसने क्वेश्चन में कह दिया है ए बी सी पॉजिटिव है, हम यहाँ से अगर मैक्सिमम हमें पूछ रहे हैं निकालने को, तो हम क्या कर सकते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम तुरंत ख्याल आना चाहिए, ठीक है। एम ग्रेटर इस पे लगाओ, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए वन बाई थ्री, ठीक है। अब आप देखो इसका वैल्यू कितना है, 12 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, या देखो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सी से सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी 2 बाई 3, ये 4 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी का पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ऊपर ऊपर पावर 3 बाई 2 ले लो, तो 4 टू दी 3 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी, 3 बाई 2 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसे 2 टू दी 2 कर दो और 3 बाई 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी सी लेस देन इक्वल टू 8 मिल गया हमें, ठीक है। इतने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो करेक्ट ऑप्शन ए आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए ग्रेटर देन 2 देन ln a प्लस log ऑफ 10 बेस a लेस देन 0, ln a log ऑफ 10 बेस a ग्रेटर देन 0 e टू दी a लेस देन 1 नन ऑफ दिस। देखो a ग्रेटर देन 2 कह रहा है, फिर कंडीशन पूछ रहा है, हम a इक्वल टू 10 मान लेते हैं, किस लिए 10 मान लिया, क्योंकि सब 10 का लेंगे आसानी से तो हमें मिल जाएगा। अब देखो 2.71 के पावर अगर 10 कर दें तो क्या ये 1 से लेस आएगा, नहीं भाई, 2 टू दी 71 का पावर 10 करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो ये गलत हो गया सी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए चेक करते हैं, ln a है, ठीक है। अब आप देखो और ln a का मतलब है इसका बेस है ई है, तो log ऑफ ई बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस 10। अब ये देखो इसका कह रहा है ये दोनों का सम लेस देन जीरो होना चाहिए, ये तो आप देखो वन मिल गया हमें। अब ln e बेस ln 10 बेस e है, आप देखो वन 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 रहता तब, वन से कम ये रहता तब, तब ये लेस देन जीरो होता तब सोच सकते थे कि कुछ और, ये तो बहुत देखने से ही पता चल रहा है ये 10 है, जबकि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर आएगा, तो वन प्लस कोई पॉजिटिव आएगा तो क्या ये निगेटिव होगा, नहीं होगा, तो करेक्ट ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये देखो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन बी यही कह रहा है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव हमें मिलेगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ अ स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 25। देखो संजोग से वैसा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, उसमें से
टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा आसान है, रिलेटिवली इजियर है। जो थोड़ा टफ थे कंसेप्चुअल थे मैंने पार्ट वन टू में कवर किए हैं, और थर्ड में भी लिमिट का क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसका। अब आप देखो इसमें भी एक सवाल अच्छा है, द एवरेज ऑफ स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन टेस्ट इज 25। देखो ये कह रहा है एक्स वन एक्स टू और सो ऑन अप टू एक्स टेन अपॉन 10 इज इक्वल टू 25। ये है 10 को इधर लेके चलेगा, मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स टेन कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, सबका नंबर द लोएस्ट स्कोर इज 20, द हाईएस्ट स्कोर इज एट मोस्ट। देखो लोएस्ट स्कोर कितना है, 20 है। ठीक है, और पूछ रहा है हाईएस्ट स्कोर कितना जा सकता है। अब आप देखो हम क्या करते हैं, अगर हम 200 लड़के को लोएस्ट स्कोर दिए तो 200 होगा, तो ये तो नहीं संभव है। ठीक है, हम क्या करते हैं 9 लड़के को सबसे लोएस्ट स्कोर देते हैं, तो 9 लड़के को जब लोएस्ट स्कोर देंगे तो 20 इंटू 9 180 सबसे कम, क्योंकि एट मोस्ट पूछ रहा है कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, 9 के 9 लड़के को सबसे कम ही मार्क्स दिए, तो 180 नंबर उसको दे दिया। ठीक है, 180 नंबर उसे दे दिया, तो पूछ रहा है मैक्सिमम कितना जाएगा, सबसे कम हमने दे दिया तो एक्स वन प्लस बाकी 9 को हमने 20-20 दिया, तो टोटल 180 बन गया इज इक्वल टू 250। तो एक्स वन इज इक्वल टू 250 माइनस 180 जो कि 70, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें पूछ रहा है कितना मैक्सिमम स्कोर आप दे सकते हैं, तो हम 70 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम दे, लोएस्ट 20, तो हम 20 क्या किया 9 से 9 लड़के को दे दिया, 10 टोटल लड़के थे हमने 9 को दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो लेट, हाँ यही क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, लेट थीटा फाई 0 to 2π बी टू एंगल्स देन द इक्वेशन साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या क्या है इसके बारे में, आप देखो इधर से हम एक तरफ थीटा कर लेते हैं और एक तरफ फाई लेके चले जाते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई माइनस साइन फाई। ठीक है, फाई को हम इधर लेके चले जाए, थीटा को इधर, ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो रूट टू ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई फोर, और इसे भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन रूट टू साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस फाइव, ये आ जाएगा रूट टू से रूट टू कैंसिल। अब देखो साइन ऑफ ए, इसे एक मान लो थोड़ा देर के लिए, और ये साइन ऑफ बी, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी कब होता है, इधर ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो थीटा माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस फाइव हो जाए, या फिर जो ए है वो बी पाई माइनस बी हो जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो थीटा थीटा माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई फोर प्लस फाइव, ये आपके पहुँच जाए। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करो तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, एक ही मिल गया, दूसरा मिला हमें थीटा पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल, तो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू पाई। ठीक है, एक ये आपके पास वैल्यू मिला, तो आप देखो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस फाइव लिख सकते हो और एक पाई प्लस फाइव लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें टू वैल्यूज थीटा का मिला, यहाँ से थीटा को यहाँ से हम कर सकते हैं पाई बाय 2 माइनस फाइव, और यहाँ कर सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई प्लस फाइव। ठीक है, ये हमें दो वैल्यूज मिला, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, गिव्स टू वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर ईच वैल्यूज ऑफ फाइव। हम थीटा को अगर कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो 0 ले लिया, तो थीटा हमें पाई बाय 2 मिला यहां से और यहां से पाई मिला, तो दो वैल्यूज हमें थीटा मिलेगा किसी एक वैल्यूज ऑफ पाई के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये पूछ रहा है इसका साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब आप देखो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसे लिख लिया कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स, कॉस एक्स को थोड़ा देर के लिए टी मान लो, डिफ्रेंशिएट करने में आसान होगा, टी इक्वल टू टी क्यू, ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करो तो 1 माइनस 3 टी स्क्वायर इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, और टी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, सीधे आप यहीं पे पुट कर देते हैं, टी कॉमन ले लो 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ से क्या मिला है 1/3 देखो, और तो टी इंटू 1 माइनस 1/3 2/3 बन जाएगा। अब देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लो, तो 1/√3 इंटू 2/3 इक्वल टू 2/3√3, तो करेक्ट ऑप्शन ए आपका मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो एफ ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस 1 एंड देन एफ ऑफ 2010 इक्वल्स टू, पहले एफ ऑफ 2010 निकाल लो, एफ ऑफ 2010 इज इक्वल टू 2011 अपॉन 2009 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालना आपको पड़ेगा एफ ऑफ 2011 अपॉन 2009, इसको निकालो तो 2011
प्लस 2009 डिवाइडेड बाई 2011 माइनस 2009, ये आपके पास आ गया। 2011 ऐसे करोगे तो 40-20 आ जाएगा अपॉन ईयर टू आ जाएगा जो कि 2010 के बराबर, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, ये इतना आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो, लेट पी एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स एंड इंटीग्रल 2 टू 3 पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 2 पी ऑफ एक्स प्लस 4 अपॉन 2 डी एक्स। आप इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, एक्स प्लस 4 अपॉन 2 को टी मान लिया, ठीक है, आप इसे टी मान लिया तो डी एक्स कितना बनेगा, 2 टाइम्स डी टी। लोअर लिमिट कितना बनेगा, टी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। टी एक्स को 0 पुट किया तो एक्स को 0 पुट किया तो 2 बन जाएगा लोअर लिमिट, यह है लोअर लिमिट टी, और अपर लिमिट पुट करो एक्स इक्वल टू 2 तो 6 बन जाएगा, टी इक्वल टू 3 अपर लिमिट, ठीक है। तो उसे आप लिख लो सी टाइम्स इंटीग्रल लोअर लिमिट डाल दो 2 से 3 पी ऑफ टी, और डी एक्स की जगह है 2 डी टी। अब आप देखो 2 सी इधर 2 लेके आ जाओ इधर तो 2 सी आ जाएगा, 2 तो बाहर कर लेंगे, 2 सी इंटीग्रल 2 टू 3 पी ऑफ टी डी टी। अब आप देखो ये सेम ही फंक्शन तो है, यहाँ सिर्फ वेरिएबल है ना तो उससे फर्क तो नहीं पड़ता है, तो 2 सी इक्वल टू 1 तो सी इज इक्वल टू 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द लास्ट डिजिट ऑफ 22 रेज टू द पावर 22 इज, देखो इस क्वेश्चन में एक बता देता हूँ, आप ऐसे मत कर देना कि लास्ट में 2 है और 20 यहाँ 22 है तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, संजोग से इस क्वेश्चन में लड़ जा रहा है आपको, हम बताएं ऐसे क्वेश्चन में आप 4 के पावर में जाओ ताकि जब 6 मिल जाए तो 6 के पावर जब कितना भी करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आता है, तो आप देखो 2 टू द 4 6 के बराबर होता है, 16 होता है ना 2 टू द 4, तो आप 4 के पहले 22 टू द पावर 4 के पावर 5 इंटू 22 टू द पावर, देखो ये इसी को हमने ऐसे लिख लिया, ये देखो 22 टू द पावर 20 है और इंटू 22 टू द पावर 2 है, ठीक है, ये लास्ट में 22 टू द पावर 4 को लास्ट में 6 होंगे और 6 टू द पावर 5 टाइम्स भी करें या n टाइम्स भी करें 6 ही आएगा, तो ये इसका यूनिट डिजिट जो हमें मिलेगा, इसका यूनिट डिजिट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और इसका यूनिट डिजिट 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 2 टू द 2 टू द 2 को कितना बार 2 बार करोगे तो 4 आएगा, तो 6 इंटू 4 तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमें, 6 चौके 24 मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट हमें 4 मिलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन 4 है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखो, सपोज ए बी आर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन ए टू द 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप देखो मैट्रिक्स में हमेशा प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, यहां से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, आप देखो इसी को यूज करते चलेंगे, लास्ट में पूछ रहे बी स्क्वायर तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बी से कर देते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी ऑफ ए ऑफ बी, ठीक है, अब ए बी कितना है माइनस बी ए के बराबर तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए, ठीक है, ए बी की जगह माइनस पी ए कर दी बी स्क्वायर ए, अब देखो ए टू दी 5 ले रहा है तो बी सी को बनाना है तो ए स्क्वायर एम प्री मल्टीप्लीकेशन ऐसे की है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना तो माइनस ऑफ ए बी एन टू बी ए हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी की जगह क्या क्या है माइनस बी ए तो प्लस बन जाएगा और बी ए एन टू बी ए, अब ये देखो ए बी है इसको कह रहे माइनस बी ए बन जाएगा तो इसे कर दिया तो माइनस ऑफ बी ए टाइम्स बी ए बन जाएगा एन टू ए, ठीक है, जो कि बन गया हमारा माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, अब आगे फिर करो प्री मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर दो ए क्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इंटू बी बी ए, ठीक है, ए बी इंटू बी बी ए स्क्वायर ऐसे कर दिया इसे, ठीक है, अब ए बी को माइनस बी ए के टर्म्स में आएगा तो प्लस बी ए बी ए स्क्वायर, ठीक है, अब आप इस ए बी को फिर करो इसमें माइनस बी ए तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, और ये ए क्यू बन जाएगा, ठीक है, ए क्यू फिर प्री मल्टीप्लीकेशन करो ए से तो ए टू दी 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी एन टू बी ऑफ ए क्यू, ठीक है, ए बी की जगह माइनस बी ए तो प्लस बी ए बी ए क्यू, ठीक है, अब आप देखो ये ए बी है फिर इसे माइनस बी ए करो तो माइनस बी ए करोगे तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए टू दी 4 आया, अब प्री मल्टीप्लीकेशन फिर ऐसे करो तो ए टू दी पावर 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इंटू बी टाइम्स ए टू दी 4, माइनस ए बी की जगह क्या लिख लेंगे माइनस बी ए तो माइनस ऑफ प्लस बन जाएगा बी टाइम्स ए बी 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 ए बी की जगह हम ए बी की जगह बी ए हो गया और बी ए टू दी 4 हो गया, ठीक है, आपको ये मिल गया, ठीक है ना, ये आपको मिल गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप देखो मेरे से गलती हो गई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ
ए बी स्क्वायर को यहाँ करते हैं माइनस ऑफ बी, और ये देखो ए बी स्क्वायर टू माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया, तो यहाँ यहाँ जो भी है ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ फाइनली प्लस आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ फाइनली प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ फाइनली प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ फाइनली प्लस आ जाएगा। अब इसे थोड़ा लिख लेते हैं, प्लस ए बी, ठीक है, और ए बी इंटू बी इंटू इतना, तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए इंटू ए बी इंटू माइनस बी ए, माइनस बी ए बी ए टू दी फोर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी ये ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए, तो माइनस ऑफ प्लस बन जाएगा बी ऑफ बी ए इंटू ए टू दी फोर, जो कि बन गया फाइनली ये बी ए स्क्वायर इंटू ए टू दी फाइव, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। आपको एक चीज़ बताएं, इसमें निगेटिव वाला साइन बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप इस ऑप्शन पे जंप कर जाएंगे माइनस वाले पे, ठीक है, तो आप ध्यान से इसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका मैं बताऊं, तो आप इसे डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी एक मैट्रिक्स मान के उसका साइज से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो दूसरा तरीका है डिटर्मिनेंट से, ठीक है, आप ये देखो, पहला केस में हम मान लेते हैं ए जो है एक ऑर्डर 3:3 है, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है, बी का भी ऑर्डर 3:3 है और उसका डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है ए टू द 5 बी स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 बन जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी 1 के बराबर। अब आप इसमें करो, ये 0 है तो ऑप्शन ए गलत, ठीक है, ऑप्शन बी कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द 5 का, ये देखो ये भी 1 ये भी 1 तो 1 इसके बराबर है, अभी रुक जाओ ये कर लो, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो माइनस वन टू दी एन बन जाएगा, और एन का है यहाँ ऑड है तो माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ए बी करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी 1 ये भी 1 तो ये भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ए को 2:2 कर लेते हैं और बी को भी 2:2 कर लेते हैं। अब आप देखो, चाहे ए को यही रहने दो और दूसरा एक का डिटर्मिनेंट ऑफ चेंज कर दो, मॉड ऑफ ए 2 कर दो, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू दी 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, ये देखो 2 to the power 5 जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा यहाँ, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत, तो करेक्ट ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है, आप इसे भी देख लो यहाँ से, इस नेगेटिव के लिए हमने ऑर्डर वाले लिए और जो पॉजिटिव है इसको बस एलिमिनेट करना था, तो हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज कर दिया और हमें तुरंत ऑप्शन पर मिल गया। तो आप ये देखना हमें सॉल्व करते वक्त कैसे मेरे से ये गलती हो गया, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, और इसलिए करस्पॉन्डिंगली सब में हमें ये चीजें देखने को मिल गई, ठीक है, तो आप इसे डिटर्मिनेंट से ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो।